देश के मंदिर में मां के जयकारों से गूंज सुनाई दे रही है। मां की भक्ति का रंग शहर शहर नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व तो बताया गया है। यही वजह है कि देश के तमाम शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वत राजुमाले की पुत्री होने के कारण मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था। मान्यता है कि शैलपुत्री का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देश के तमाम शक्तिपीठों में कैसे की जा रही है मां की आराधना, इसकी 7 तस्वीरें आपके सामने। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के सभी मंदिरों में नवरात्र के पर्व का आगाज हो गया है। देश भर में मां दुर्गा के मंदिर में कैसे नवरात्र का पहला दिन मनाया गया आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर। यहां मंदिर में पहले मां भगवती का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया और फिर मां की आरती हुई। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मां के दरबार पहुंचे, आरती ली और मां का आशीर्वाद लिया। तो चैत्र नवरात्र के पहले दिन की तमाम रौनक और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लखनऊ के प्राचीन मंदिर बड़ी काली मंदिर में भक्त पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर मां काली के रूप में नारायणी यानी लक्ष्मी की पूजा नारायण यानी विष्णु के साथ की जाती है। तो यहां पर आपको बता दें, लक्ष्मी की पूजा के साथ नारायण यानी विष्णु के साथ पूजा करने का यहां पर प्रावधान है और सुबह से ही लगातार कतार में कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुगण जो हैं वो यहां पर पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हम लखनऊ में चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है और ये मंदिर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर जो विग्रह है, यहाँ पर जो प्रतिमा है वो बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं है क्योंकि यहाँ लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में माँ काली के दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप में माँ के भक्तों माँ के भक्त आराधना करेंगे माँ की और माँ की पूजा अर्चना करेंगे। मंदिरों में आएंगे ही लेकिन दर्शन के लिए, लेकिन उसके अलावा अपने घरों में भी पूजा अर्चन करेंगे। हर 9 दिन में यहाँ माँ का अलग अलग श्रृंगार होता है। वैसे तो हर रोज में जिस दिन
अगर दिन के हिसाब से यहाँ श्रृंगार होता है, दिन के हिसाब से भोग लगता है और सभी चीजों का भोग लगता है। और नवरात्र में तो खास करके, नवरात्र में खास करके भोग लगाया जाता है। बहुत उत्साह है, हम यहाँ 15 साल से आ रहे हैं बराबर। कहते हैं जो भी मांगो यहाँ माँ के दरबार मिलता है, मिलता बिल्कुल मिलता। शिल्पी का रुख करते हैं। शिल्पी, आज जैसे कि आपने बताया सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का दाता लगा हुआ है, हम चाहेंगे कि आप एक बार हमें मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, माँ की जो है तस्वीर वो दिखाएं, किस तरह से माँ का श्रृंगार किया गया है, कौन से कपड़े पहनाए गए हैं माँ को, आज के माँ का रूप हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हर दिन अलग अलग श्रृंगार माँ का किया जाता है और आज जो श्रृंगार किया गया है वो पुष्पों से श्रृंगार किया गया है और हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र भी मेरे ख्याल से ज्यादातर मंदिरों में ही धारण कराए जाते हैं, लेकिन उस रंग का भी एक विशेष महत्व होता है। आज केसरिया रंग का वस्त्र है आज के दिन को देखते हुए जो माँ को धारण कराया गया है। लेकिन पंडित दिवाकर जी जिस तरह से बहुत विस्तार से अभी बता रहे थे हमारे दर्शकों के लिए, ये पूरा काम वो भी व्रत रह करके उपवास रह करके करना होता है, लेकिन उसमें आस्था और उल्लास में कोई कमी नहीं होती। और उल्लास की एक वजह यह भी है कि गीत संगीत होता है, माता के भजन होते हैं, जयकारे गूंजते हैं और जगराता होता है। तो ऐसे ही आशा जी और उनके जो सहेलियां हैं वो हमारे साथ हैं, तो क्या सुनाएंगे? माँ की चरणों की अरदास सुनाएंगे। बोल साचे दरबार की, दरबारा वाली की, काली मैया की, सभी देवियों की, नव दुर्गे मैया की, बोल साचे दरबार की, और लाल लाल चुनरी वाली की। अरे लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ के आई है बसेरा, जिसे ओढ़ के आई है, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजा, जिसको भोले ने रंग में रंग डाला। लाल 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 चुनरी सितारों वाले, सितारों वाले, जिसे ओढ़ के आई है मासेरों वाली। जय माता की, जय माता की, जय माता की। देखिए जय माता दी के नारे गूंज रहे हैं, जय घोष हो रहा है, माँ का जयकारा लग रहा है, उद्घोष हो रहा है। लेकिन ये उद्घोष, ये उल्लास, ये भक्ति, ये आस्था, ये उत्सव पूरे 9 दिन तक रहेगा और माता के भक्त इसी ऊर्जा से माँ की आराधना और माँ की उपासना करेंगे। जी चलिए, जाते जाते एक बार जयकारा हम भी लगा देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।